सलमान खान पर खतरे को देखते हुए मुंबई में अब फैंस अपने स्टार की एक झलक पाने के लिए गैलेक्सी के आगे खड़े नहीं हो पाएंगे। सलमान खान को ईमेल के जरिए धमकी के बाद पुलिस ने उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया है। सलमान खान को पहले से वाई प्लस सिक्योरिटी मिली हुई है, अब वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलेंगे। अब मुंबई पुलिस के 2 असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर्स और 8 से 10 कांस्टेबल भी 2400 घंटे सलमान खान की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। बॉलीवुड के दबंग को एक गैंगस्टर की धमकी, फिर सलमान खान को झटका देने की धमकी। ईमेल के जरिए भेजी गई धमकी की चिट्ठी, कोल्टी बराड़ की तरफ से भेजा गया है ईमेल। पुलिस का यह बंदोबस्त एक बार फिर चौकन्ना हो गया। मुंबई पुलिस के जवान इस वक्त बॉलीवुड के दबंग के घर की पहरेदारी के लिए तैनात किए गए। सलमान खान एक बार फिर हैरान भी है और परेशान भी, क्योंकि एक बार फिर उनको धमकी दी गई है। और बॉलीवुड के इस भाई को धमकी देने के पीछे जो अक्ष नजर आया है वो कोई और नहीं बल्कि पंजाब के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और 7 समंदर पार से पंजाब में गैंग चला रहा लॉरेंस का खास दोस्त गोल्डी बराड़ है। दरअसल सलमान खान के पर्सनल असिस्टेंट को एक ऐसा ईमेल मिला जिसे पढ़कर वो खुद पसीना पसीना हो गए। ये धमकी भरा ईमेल जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से उसके गुर्गे गोल्डी भाई उर्फ गोल्डी बराड़ की तरफ से आया। अब इस ईमेल में क्या लिखा है जरा उसकी एक बानगी देखिए। 18 मार्च को सलमान खान के मैनेजर को ईमेल आया। ईमेल में साफ साफ सलमान को धमकी दी गई। ईमेल में लिखा था, गोल्डी भाई को तेरे बॉस यानी सलमान खान से बात करनी है। इंटरव्यू देख ही लिया होगा उसने, शायद नहीं देखा हो तो बोल देना, देख ले। मैटर क्लोज करना है तो बात करवा दो, फेस टू फेस करना हो तो भी बात करा दो, अभी टाइम रहते इन्फॉर्म कर दिया है, अगली बार झटका ही देखने को मिलेगा। इस टाइम जो मार्च 18 को पिछले 2-3 दिनों में जो उनको धमकी भरा ईमेल आया उसको लेकर उनके मैनेजर प्रशांत गुंजलकर ने FIR कराई बैंड्रा पुलिस स्टेशन में। और अगर आपको एक और बार फिर से नजरिया दिखा दे, बैंड्रा बैंडस्टैंड का यहाँ पर है और हम गैलेक्सी अपार्टमेंट्स के बिल्कुल बाहर है। और आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आज ज़्यादा फैंस भी नहीं है क्योंकि मुंबई पुलिस और उनके बॉडीगार्ड्स किसी फैंस को यहाँ खड़े नहीं रहने दे रहे। ये धमकी वाले ईमेल के बाद मुंबई पुलिस ने सबको यहाँ पर खड़े रहने से मना कर दिया है। हालांकि 3 लोगों का नाम इसमें बार बार आ रहा है, गोल्डी ब्रार, लॉरेंस बिश्नोई और गर्ग, रोहित गर्ग जिन्होंने ईमेल भेजा था। उन्होंने कहा कि अगर सलमान खान माफी मांगते हैं तो हम ये बात को यहीं पर जाने देंगे, इस टाइम हम लोग ने सिर्फ धमकी दी है, अगली टाइम धमकी का कोई समय नहीं होगा। ईमेल मिलते ही सलमान के मैनेजर बांद्रा पुलिस थाने पहुंचे, केस दर्ज कराया। पुलिस ने भी तुरंत सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट की सुरक्षा बढ़ा दी, वहाँ पुलिस की जिप्सी तैनात कर दी गयी। सलमान के मैनेजर ने जो FIR दर्ज कराई है उसमें 3 नाम है। पहला लॉरेंस बिश्नोई का जो जेल में बंद है, दूसरा गोल्डी बराड़ का जो कनाडा में छिपा बैठा है, और तीसरा नाम है रोहित गर्ग का जिसके नाम से ये धमकी भरा ईमेल भेजा गया है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब सलमान खान को धमकी मिली हो। इससे पहले भी लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे 2 बार सलमान पर हमले की साजिश रच चुके हैं, पहली बार 2019 में और दूसरी बार 2022 में। पिछली बार सलमान खान को धमकी की चिट्ठी उनके पिता सलीम खान को उस जगह मिली थी जहां वो सुबह पार्क में सैर करने जाते थे। वहीं उन्हें बेंच पर पड़ी एक चिट्ठी दी गई थी जिसमें सलमान खान को सबक सिखाने का ऐलान था। पहली कोशिश 2019, एक बार हरियाणा का गैंगस्टर और बिश्नोई का करीबी संपत नेहरा साल 2019 में मुंबई गया था और सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट की रैकी की गई थी। हथियार की रेंज कम होने की वजह से प्लान टाल दिया गया था। वापस हरियाणा बड़े हथियार लेने आया था जब उसे गिरफ्तार किया गया था। दूसरी कोशिश 2022, बिश्नोई गैंग के शूटर
कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ के कहने पर सलमान खान पर हमला करने मुंबई गए थे। मुंबई में कमरा किराए पर लिया, सलमान खान के फार्म हाउस की पूरी रेकी की गई। फार्म हाउस के गार्ड से शूटर ने दोस्ती कर ली थी। सलमान के हर मूवमेंट की रेकी की गई। सलमान खान के साथ भरी सुरक्षा होने की वजह से प्लान फेल हो गया था। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार इसके पहले दो बार सलमान खान पर हमले की योजना बना चुके हैं। पहली बार बिश्नोई ने हरियाणा के गैंगस्टर संपत नेहरा को मुंबई भेजा था। संपत नेहरा ने सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट की कई दिनों तक रेकी की थी, लेकिन संपत नेहरा के पास जो हथियार था उसकी रेंज काफी कम थी, लिहाजा प्लान टल गया। बाद में संपत नेहरा को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। दूसरी प्लानिंग सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के ठीक बाद रची गई थी। गोल्डी बरार ने कई शूटरों को मुंबई भेजा था। शूटरों ने सलमान खान के फार्म हाउस की प्रॉपर रेकी की थी, लेकिन सलमान खान के इर्द गिर्द सुरक्षा व्यवस्था बेहद पुख्ता थी, इसलिए उस दौरान भी प्लान को टाल दिया गया। ऐसे में तीसरी धमकी को मुंबई पुलिस बेहद गंभीरता से ले रही है। बंदोबस्त भी चौकस कर दिया गया, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। दिल्ली से अरविंद ओझा और मुंबई से दीपेश त्रिपाठी के साथ दिव्येश सिंह, आज तक।